नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है मनी प्लांट का। और वैसे भी आपको तो ये पता ही होगा कि प्लांट घर के लिए कितना शुभ है। सो गाइस, इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। आप देख रहे हैं कि मेरा मनी प्लांट कितना हेल्दी है, और इसकी लीफ देख रहे हैं आप गाइस कितनी बड़े साइज में। ये मेरा कुछ ही दिन का मनी प्लांट है। और मनी प्लांट चूँकि ऐसे लोग मानते हैं कि इसको लगाने से घर में पैसे आते हैं, सुख समृद्धि होती है वगैरह वगैरह। और मैं अपने मनी प्लांट की केयर बहुत अच्छे से करती हूँ। इसको पानी बहुत कम चाहिए होता है। आप मनी प्लांट को जितना कम पानी देंगे, आपके मनी प्लांट की पत्तियाँ उतनी बड़ी साइज़ में आएंगी। जब इसकी मिट्टी एकदम से ड्राई हो जाए, तब इसको पानी देना चाहिए। आप देख रहे हैं, मैंने इसको यहाँ पे कोकोनट कॉइल लगाया है, ताकि मनी प्लांट हर पत्ती जब निकलती है तो उसके उसके बगल से एक रूट भी निकलती है, जो अपने आप को इस कोकोनट कॉय में सेट करती है, और उस रूट को वहीं से खाना पानी मिलता रहता है। और मैं जब इसको पानी देती हूँ तो स्प्रे बॉटल से इसमें भी वाटरिंग करती हूँ, ताकि इन रूटों को भी पानी मिलता रहे। और मनी प्लांट को शेडेड एरिया में रखना चाहिए, जैसे खिड़की के पास, और जहाँ धूप बहुत कम आए। अगर ज़्यादा धूप लगेगी तो धूप वाले एरिया के पास यदि आप रख देंगे तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और इसके पत्ते जल सकते हैं। मैंने भी रखे थे, लेकिन मेरे पत्ते जलने लगे। फिर उसके बाद मैंने इसको अपनी खिड़की के पास रख दिया, और आप देख रहे हैं कितने अच्छे हैं इनके पत्ते, और काफ़ी बड़े साइज़ में। और मेरा मनी प्लांट काफ़ी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। मैं इसमें पेस्टिसाइड बनाती हूँ, जो माली फूल दे के जाते हैं पूजा के बाद, वो सूख जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, तो मैं उनको वाटर में सोकिंग कर देती हूँ, भिगो देती हूँ, उसके साथ चाय पत्ती, साफ चाय पत्ती, क्योंकि मनी प्लांट एक शुद्ध पौधा है। मैं इसको पानी भी देती हूँ तो साफ पानी देती हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं उस सूखे फूल और चाय पत्ती को पानी में 24 घंटे के लिए भिगो देती हूँ, उसको छान के फिर इसमें स्प्रे बॉटल से पत्तियों पे इसके स्प्रे करती हूँ। और नीचे जड़ में स्प्रे करती हूँ, ताकि इनको खाद भोजन अपना मिलता रहे। बस यही करती हूँ। और मनी प्लांट एक शुद्ध पौधा है, इसको गंदे हाथों से या फिर यदि औरतें मासिक हो तो इसे नहीं छूना चाहिए, या हम नॉनवेज खाएं तो उसके बाद इसको नहीं छूना चाहिए। ये मेरा मनी प्लांट मेरे पूजा वाले रूम में रहता है, बिना नहाए मेरे रूम में कोई आता भी नहीं है, तो ये बचा रहता है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये मेरा थोड़ा सा यहाँ से काला हो गया था इतना दूर तक, तो मैंने कट करके निकाल दिया उसको। और आप देख रहे हैं कि मेरा मनी प्लांट कितना हेल्दी है और कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरा मनी प्लांट कुछ ही दिनों का है, इससे पहले भी मैंने मनी प्लांट लगाया था जो कि सूख गया। उसका रीज़न ये था कि मैं कहीं बाहर चली गई और वो फुल सनलाइट में रह गया, मौसम चेंज हुए, उसको शेडेड एरिया में नहीं रखा गया, इसीलिए वो सूख गया। और उसकी ग्रोथ तो इतनी कम थी कि बस पूछिए मत। और आप इसका देख रहे हैं कितना मस्त है मेरा मनी प्लांट। और अभी सिंगल सिंगल ब्रांच है इसकी, कोई नहीं अलग से ब्रांच नहीं निकली है, क्योंकि मेरा ये कुछ ही दिन का मनी प्लांट है, पर इतना खूबसूरत। मेरे पास एक और मनी प्लांट है, वो बाहर है, जैसे कि है शेडेड एरिया में, मगर वहाँ पर जाना मुझे पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो इसी छोटे वाले मनी प्लांट को का वीडियो बना दे। मनी प्लांट को डायरेक्शन के अनुसार रखना चाहिए, दिशा के अनुसार रखना चाहिए, तभी आपका मनी प्लांट अब शुभ फल देगा। क्योंकि
मेरा पूजा घर डायरेक्शन के अनुसार है और मनी प्लांट भी डायरेक्शन के अनुसार ही रखा गया है खिड़की के पास, जिसमें अब ज़्यादा धूप आती है खिड़की के पास, तो मैंने पर्दा पहले पर्दा लगा देती हूँ, फिर उसके बाद इसको रखती हूँ ताकि ये मेरा बचा रहे। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मैं मनी प्लांट में डालने वाला पेस्टिसाइड कैसे उसको तैयार करते हैं मैं आपके साथ उसको बनाकर शेयर करूँगी। तब तक बाय।